इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं आपकी उसमें कितने बच्चे थे? ठीक है, बेटे बच्चे आ जाए फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। जरा आप चले बेटे हम शुरू करते हैं, बच्चे नहीं आए तो हम क्या करें। हम शुरू करते हैं क्लास को, आप दो ही हो, आप दो तो पढ़ रहे हो कम से कम। तो भाई आज हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सही है जी, मैंने मेंडीव का बताया, हमने शुरू के जितने भी चार जो पढ़े थे लॉ, उसमें डॉपलनेयर पढ़ा, न्यूलैंड, लॉथरमेयर और मेंडलीव। इन चारों ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाने की जो कोशिश की, वो कोशिश जो है वो एटॉमिक वेट पर की, यानी एटॉमिक मास पर की। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो बेस्ड करता है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस कर रहा है भाई? एटॉमिक नंबर पर बेस कर रहा है। अभी एटॉमिक नंबर किसने बनाया, कैसे आया, इस पे हम बात करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 के अंदर जो बनाया उसका नाम है साइंटिस्ट का मॉजले। ठीक है भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव कहते हैं। ठीक है भाई, इसे क्या कहते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव कहते हैं। अब मामला क्या है, मामला यह है कि इसने किया क्या ना, मेंडलीव ने बहुत अच्छा काम किया था, मेंडलीव के काम को कभी भूला नहीं जा सकता, बट उसकी कुछ गलतियों की वजह से मॉडर्न ने उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ की क्या मॉडिफिकेशन। मैं आपको एक बड़ी आम सी एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक गाड़ी है, गाड़ी में ना मॉडिफिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने होंडा सिविक ले ली, होंडा सिविक सबसे ज्यादा जो है वो सुनने में वाली और मॉडिफिकेशन में काम आती है। मैंने वो गाड़ी ली होंडा सिविक, मैंने उसको मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया भाई मैंने उसको, मैंने उसमें जो है वो नए टायर्स लगा दिए, नए इंजन लगा दिया, मैंने जो है वो उसका कलर चेंज करवा दिया, मैंने जो है उसके पीछे विंग भी लगवा दिया, स्पॉयलर भी लगवा दिया, इनटेक टर्बो, हर चीज मैंने उसमें चेंज कर दी, पूरी मॉडिफिकेशन कर दी मैंने। क्या उस मॉडिफिकेशन करने पर क्या उस गाड़ी का नाम चेंज हो गया? नहीं हुआ। क्यों? वो रहेगी सिविक, वो रहेगी क्या,
सिविक ही रहेगी। इसी तरीके से कि अगर हम किसी भी चीज की मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो चीज चेंज नहीं होती, उस चीज का नाम चेंज नहीं होता, सिर्फ वो दिखने में तब्दील हो जाती है। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल भी दिखने में तब्दील हो गया, काम पूरा मेंडलीफ का ही है भाई। तो इसने क्या किया, मॉडिफिकेशन की मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, इसी वजह से इसने इस पीरियोडिक टेबल को नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चाहता तो अपने नाम से भी दे सकता था मोजिले, चाहता तो अपने नाम से मोजिले भी कह सकता था कि भाई मोजिले पीरियोडिक टेबल, मगर इसने ये नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इसने मॉडिफिकेशन की है, ठीक है, इसने क्या की है, मॉडिफिकेशन की है, इसीलिए इसको इसने पीरियोडिक टेबल को नाम दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया, बनाया किसने, मोजिले ने, इसे हम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीफ भी कहते हैं, या इसको एक और नाम दिया जाता है, इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, इसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म से क्या मुराद है भाई, कि ये एक बहुत बड़ा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। मैं एक तस्वीर जो है वो पुट करता हूँ यहाँ पे, आप देखिएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी। ये हमारी किताब में ही है, ठीक है भाई। ये है पीरियोडिक टेबल, मैं जरा इसको जूम कर लेता हूँ ना, आप लोगों को सही से नजर आ जाए। देखो ये पीरियोडिक टेबल है, और ये बहुत लंबा पीरियोडिक टेबल है, इसीलिए इसे लॉन्ग फॉर्म का नाम दिया गया। लॉन्ग फॉर्म यानी एक लंबी फॉर्म पीरियोडिक टेबल की, ठीक है भाई। अब इस पीरियोडिक टेबल में तीन चीजें बड़ी अहम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ना वो तीन चीजों पर मुश्तमिल है। मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तीन चीजों पर मुश्तमिल, ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तीन चीजों पर मुश्तमिल है, ग्रुप पर, पीरियड पर और ब्लॉक्स पर। इसने कहा कि इसके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड हैं, 7। इसने कहा ग्रुप कितने, 8, ग्रुप मजीद डिवाइड हुए ए और बी में, और ब्लॉक कितने, 4, ब्लॉक्स को नाम दिया एस, पी, डी और एफ। हमें ये नहीं डिस्कस करना, हमें डिस्कस क्या करना है, हमें ग्रुप्स डिस्कस करने हैं और हमें पीरियड्स डिस्कस करने हैं। तो यानी अगर हम पॉइंट्स बना के लिखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ, मैं यहाँ पॉइंट बना दूं अगर कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 पीरियड्स, दूसरा पॉइंट इट कंटेन 8 ग्रुप्स which are further divided into subgroup A, subgroup A में कितने, 1A से लेकर 8A तक, and subgroup B 1B से 8B। ये भाई तो पीरियड्स हैं कितने, 7, और सब ग्रुप ग्रुप्स कितने, 8, और हर 8 ग्रुप के ए बी हैं और बी भी है, तो 8 और 8 कितने हो गए, 16 ग्रुप्स, ठीक है भाई। 8 और 8 कितने हो गए, 16 ग्रुप है भाई हमारे पास, ठीक है भाई। तो आज हम शुरू करते हैं पीरियड्स को, अब आपका लिखने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले स्टेटमेंट आएगी, आप हेडिंग डालोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट तो लिख लें पहले हम, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, आप पहले हेडिंग बनाओगे क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसके बाद आप इसकी स्टेटमेंट लिखो, फटाफट लिखो भाई, हेडिंग बनाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और स्टेटमेंट लिखो। अच्छा जी, आगे मैं सवाल लिख रहा हूँ, उस सवाल को हम आज जो है वो मुकम्मल तो नहीं कर सकेंगे, मगर खैर कुछ लिख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्लास थोड़ी छोटी लूँगा, यानी मैं तकरीबन कोई 7:15 तक शायद ख़त्म कर दूँ। ठीक है, तो सवाल लिखे हम, डिफाइन पीरियड्स and explain each period। अच्छा, ये सवाल मैं सिर्फ अपने पास से लिख रहा हूँ, पेपर में कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, ये सबसे पहले पीरियड को डिफाइन करते हैं। चले भाई, हेडिंग बनाओ पीरियड। हाँ भाई, मैंने कल बताया था पीरियड्स क्या होते हैं। मैंने ये पीरियोडिक टेबल लगाया ना यहाँ, इसमें पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कौन है? ये पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवा। तो टोटल कितने पीरियड है भाई? 7 पीरियड है, किसमें? पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है भाई, तो मैंने ये हाईलाइट किया, इन्हें हम क्या कहते हैं? पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल रॉज या हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। तो चलें भाई, इसको डिफाइन करते हैं। द हॉरिजॉन्टल रोज इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? पीरियड्स कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे आप, देयर आर 7 पीरियड्स इन long form of
टेबल। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को कितने शेल्स पढ़ाए? याद करो, मैं शेल्स पढ़ा रहा था आप लोगों को, फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने शेल पढ़ाए? सात शेल पढ़ाए थे। पहले शेल को एक अल्फाबेट का नाम दिया था, वो अल्फाबेट क्या था? के। ठीक है जी, तो पहले शेल को के शेल, फिर एल एम एन ओ पी क्यू, ओ पी और क्यू, क्यू तक सात शेल हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पीरियड कितने? सात पीरियड, और शेल भी कितने? सात शेल है। तो इसका मतलब हर शेल का एक पीरियड है, या एक पीरियड का हर शेल, यानी हर पीरियड का एक शेल है। जैसे पहले पीरियड का पहला शेल तो के शेल, दूसरे पीरियड का दूसरा शेल यानी एल शेल, फिर तीसरे पीरियड में एम, चौथे पीरियड में एन, फिर पांचवें पीरियड में ओ, फिर छठे पीरियड में पी, और फिर सातवें पीरियड में क्यू। तो यानी जो हमने शेल्स पढ़े थे, तो वो शेल्स के पढ़ने की वजह ये थी कि हमने आगे उन्हें पीरियड्स में पढ़ना था। तो यानी शेल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शेल किसको रिप्रेजेंट करता है? पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ हेडिंग बनाते हैं सबसे पहले, और यहाँ हम लिखते हैं क्या? फर्स्ट पीरियड। अब मैं पॉइंट्स बनाऊंगा यार ना, पॉइंट्स बना के लिखूंगा भाई फर्स्ट पीरियड में कितने पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, फर्स्ट पीरियड में क्या है? इट कंटेन टू एलिमेंट्स, इट कंटेन टू एलिमेंट्स It contain two elements, hydrogen and helium. It contain two elements, hydrogen and helium. It corresponds to It corresponds to first shell, yani K shell. इसमें कौन सा shell है? First shell, yani K shell. It is also called shortest period. So, ये तीन पॉइंट्स मैंने बताया फर्स्ट पीरियड के आपको, कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है भाई? दो एलिमेंट है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी लिख रहे होगे आप लोग, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। देखो भाई, ये रहा पहला पीरियड, मैं हाईलाइट करता हूँ, ये पहला पीरियड है, ये रहा। कितने एलिमेंट है? हाँ भाई, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम, तो दो एलिमेंट्स है, तो इसीलिए हमने लिखा के पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं भाई? इट कंटेन टू एलिमेंट्स, कौन है? हाइड्रोजन है और हीलियम है। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा कि पहला पीरियड होगा तो शेल क्या होगा? पहला, तो पहले शेल को क्या कहते हैं? के शेल। तीसरी बात मैंने लिखी कि ये हमारा सबसे छोटा पीरियड है, ये हमारा सबसे छोटा पीरियड है। क्यों है भाई ये सबसे छोटा पीरियड? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने? दो हैं। इसमें एलिमेंट्स कितने? दो, इसीलिए ये सबसे छोटा पीरियड है। आता हूं मैं सेकंड पीरियड पे। सेकंड पीरियड के पॉइंट्स लिखते हैं भाई। इट कंटेन्स एट एलिमेंट्स, इसमें कितने एलिमेंट है भाई? आठ एलिमेंट है। बेटे मजर, वीडियो ऑन हो गई है आपकी।
इट कंटेन एट एलिमेंट्स, आठ एलिमेंट हैं किसके अंदर भाई, सेकंड पीरियड के अंदर, और वो स्टार्ट होते हैं किससे, लिथियम पे, और खत्म होते हैं किस पे, नियॉन पे, स्टार्ट एट लिथियम एंड एंड एट नियॉन। इट कोरोस्पॉन्ड्स टू सेकेंड शेल, सेकेंड शेल कौन सा है भाई, एल शेल, इट कोरोस्पॉन्ड्स टू सेकेंड शेल यानी एल शेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड, इसे हम क्या कहते हैं भाई, फर्स्ट शॉर्ट पीरियड कहते हैं। अच्छा अब एक बात जरा गौर से सुन लो, एल शेल है तो इसका मतलब क्या सिर्फ एल होगा, के नहीं होगा, बताओ जरा। चलो एक काम करता हूं, मैं ऊपर पीरियोडिक टेबल में आता हूँ, सेकंड पीरियड की बात करते हैं ना कि सेकंड पीरियड हमारा कौन सा पीरियड है, ये रहा, ये यहां से शुरू हो रहा है और ये सेकंड पीरियड है, ठीक है भाई। कितने एलिमेंट हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, आठ एलिमेंट्स। मैं उठा लेता हूँ इसमें से नाइट्रोजन, मैंने उठाया इसमें से क्या, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बताओ इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग बताओ। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, हाँ 2 5, तो K में कितने आए, 2, और L में कितने आए, 5। तो मैं आपसे यही तो सवाल कर रहा था आप लोगों से कि भाई ये सेकंड पीरियड में, ये कौन से पीरियड में, सेकंड पीरियड में, तो उसके बाद K शेल भी है और L शेल भी है। आप ये नहीं सोचने बैठ जाना अपने माइंड के अंदर कि भाई इसके पास L है तो सिर्फ L ही होगा, नहीं, L है तो इसका मतलब K भी है। इसकी मैं आपको बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग जो है वो 9th क्लास में आ गए, क्या डायरेक्ट आ गए, हाँ वैसे डायरेक्ट आ गए अभी तो, ठीक है ना, अभी तो वैसे डायरेक्ट ही आ गए आप लोग यार, है ना, 7 पढ़ी और डायरेक्ट, 8 के पेपर नहीं दिए, आधी पढ़ी और 9th क्लास में आ गए, प्रोमोट हो गए। चलो पीछे जाता हूँ, 7 क्लास से 8 क्लास में आए, ऐसा तो नहीं हुआ ना 6 से 8 में आ गए डायरेक्ट, नहीं आए ना, या डायरेक्ट 8 में ही आए, आपने एडमिशन ही डायरेक्ट, पूरे कभी पढ़ा ही नहीं कुछ, डायरेक्ट 8 क्लास में एडमिशन ले लिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना, स्टेप वाइज होती है ना चीजें, इसी तरह इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी ना स्टेप वाइज होती है, पहले इलेक्ट्रॉन के में आएगा, फिर एल में आएगा, फिर एम में आएगा, फिर एन में आएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि एल शेल है तो ऑटोमेटिकली ये बात हमारी क्लियर हो गई कि भाई इसके पास के भी होगा। अगर मैं कहता हूँ कि भाई इसके पास एम शेल है तो इसका मतलब उसके पास के भी होगा, एल भी होगा और फिर एम होगा। तो हर चीज स्टेप वाइज होती है, ठीक है, क्लियर है। अजान हो रही है, मैं जरा म्यूट कर रहा हूं, आप लोग, मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखो अपने पास।
बेटे थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट है भाई? 8 एलिमेंट है। कहाँ से शुरू हो रहे हैं? सोडियम से शुरू हो रहे हैं और खत्म कहाँ पर हो रहे हैं भाई? आर्गोन पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन सा शेल है? क्योंकि थर्ड पीरियड है तो थर्ड शेल होगा। थर्ड शेल कौन सा शेल होता है? एम शेल, और इसको हम कहते हैं सेकेंड शॉर्ट पीरियड। ठीक है भाई, तो मैं बात को यहीं पे रोक रहा हूँ, क्योंकि अब आप और फर्स्ट नाइन्थ ए दोनों बराबर चल रहे हो, उनको भी मैंने आज इतना ही पढ़ाया है और आपको भी मैंने आज इतना ही पढ़ाया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास जो होगी ना हमारी, उसमें मैं इससे आगे चलूंगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन पीरियड, और फिर इंशाल्लाह ग्रोथ पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी तकरीबन अगले हफ्ते में खत्म हो जाएगा हमारा, चैप्टर नंबर 4 भी। ठीक है, और आप लोगों का एक टेस्ट होना है शायद, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 के टेस्ट का बोला था ना, तो आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा। उस टेस्ट में आपकी एमसीक्यूज होंगी, आपने वो सॉल्व करके जो है वो उसको सबमिट करना होगा, मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली के ऑनलाइन हो। ठीक है जी, तो किसी का अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले, नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड करूँ। नहीं है भाई, कोई भी सवाल नहीं है, किसी का भी कोई सवाल नहीं है। बेटे सुहेल आप अभी आए हो, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। हाँ जी, शायद 7 दिसंबर को है टेस्ट आपका। ठीक है, वो अभी कंफर्म नहीं है, एक कैंसिल भी हुआ, एक आपका शायद आज इंग्लिश होना था, वो शायद आज कैंसिल हुआ है, तो देखें क्या होता है। जो भी होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वहीं से ग्रुप के थ्रू पता चल जाएगा। चलें, क्लास को मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पे बेटे। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे आपको, कि आप अब मेरे ख्याल से अगली कोई क्लास भी नहीं होगी, तो यही शायद आखिरी क्लास है, क्योंकि आज इंग्लिश भी नहीं है आप लोगों की शायद। ठीक है जी, तो यहाँ पे एंड करें क्लास को, इंशाल्लाह जो है वो कल अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।